माननीय मुख्यमंत्री जी कल आप सबको बता चुके हैं कि बहुत जल्दी विभाग का बंटवारा हो जाएगा और कोई भी देरी आपको महसूस होती होगी। भारतीय जनता पार्टी की एक पद्धति है, कार्य की तरीका है, सबसे सलाह मशवरा करके ही ये पार्टी चलती है। ये पार्टी कोई परिवार नहीं है, ये पार्टी कोई व्यक्ति नहीं है, ये एक समूह है जो परस्पर चर्चा के बाद आगे बढ़ता है और बहुत जल्दी विस्तार हो जाएगा। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि अनलॉकडाउन वन की वजह से केस नहीं बढ़ रहे हैं। ये केस किल कोरोना अभियान मध्य प्रदेश की सरकार ने चलाया, इसलिए बढ़ रहे हैं। किल कोरोना अभियान में हम प्रत्येक घर का सर्वे कर रहे हैं। आपके घर भी निश्चित कोई ना कोई आया ही होगा, नहीं आया होगा तो आने वाला ही होगा। हर घर का सर्वे इतने कठिन कांड को सरकार ने लिया है और जब खोद खोद के और खोज खोज के लोगों को निकालेंगे तो निकलते हैं, उसमें भी आप ये मानिए कि बहुत कम निकल रहे हैं, हमने तो ज़्यादा की उम्मीद की थी। मध्य प्रदेश पूरी तरह से नियंत्रण में है, हमारी कोशिश है कोई मौत ना हो। सर, लगातार जो बयान है वो सामने आ रहे, पहले टाइगर और चील, अब चूहा बिल्ली, क्या इसको समझे? इसको आप मेरे ख्याल से कुछ मत समझो, ये काफ़ी ज़्यादा चल गए हैं अब। और जो लोग धोखा देते हैं और झूठ बोलते हैं जनता से, वो लोग कभी वापस नहीं आए, मेरे अनुभव है। मैं 30 साल से विधानसभा में हूँ, इन्होंने किसान और नौजवान के साथ जो धोखा किया, ये वापस नहीं आ सकते, धोखेबाज लोग हैं। जब लिखा हुआ डॉक्यूमेंट है, घोषणा पत्र है, उसको नहीं इन्होंने पूरा किया, 10 दिन के अंदर 2 लाख हर नौजवान को 4,000, तो ये मुझे नहीं लगता कि अब सरवाइव कर पाएंगे। कि कोई दिग्विजय कमलनाथ की जोड़ी नहीं है, मेरी बात को आज वाली को भी आप ध्यान से देखना और सुनना, कहीं सभा करते ही नहीं मिलेंगे दिग्विजय सिंह जी आपको मध्य प्रदेश में, क्योंकि इन लोगों का मानना है जो बचे हुए कांग्रेसी हैं कि दिग्विजय सिंह जी के जाने से हमारे वोट कटते हैं, तो इनको चुनाव में ही भाग नहीं लेने देंगे। वो